दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? ये आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। नहीं है। बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। देखिए मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। पिक्चर चालू करो बे। जिनका दो पक्ष है वो कह रहे हैं कि जब संसद में राज्यसभा में पीएम बोल रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट किया, उस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी जवाब दिया, और दूसरी बात वो फोटो ऑप क्यों उठा रहे। मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गरम है? आलोक जी अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। देखिए मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर पिछले लगभग 1.25 साल से जल रहा है, और कौन उस पर राजनीति कर रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। जब मणिपुर के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर भी बोलिए, तब मोदी साहब को मजबूर होकर मणिपुर पर बोलना पड़ा। उससे पहले भी जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 1.5 घंटे तक मोदी जी दाएं बाएं की तमाम बातें करते रहे और मणिपुर पर नहीं आए। तब जाकर विपक्ष को, जब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट किया कि मणिपुर इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है आपके सवाल के ऊपर। पूरे देश में कैरोसिन फैला हुआ है, ये माननीय राहुल गांधी जी ने बात कही कि किस तरह से आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और पूरी तरफ चारों तरफ नफरत का जो बोलबाला है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मणिपुर पर यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई ये पूरा देश तो कह ही रहा है। मोहन भागवत जी भी इनको नसीहत दे चुके हैं, हमारी नहीं सुनते तो कम से कम उनकी सुन लीजिए। ऐसे तो नहीं होता है। अब बात आती है मणिपुर की। मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया, एक कोर्ट का आदेश आया हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है, और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे, और अगर इंटेलिजेंस थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेके लिया गया। तो कितनी संवेदना है और कितने ये लोग गंभीर हैं मणिपुर को लेकर, ये पहले दिन से पता चलता है कि किस तरह से एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना उसके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस आता है, ना कुछ और होता है। चाहे ऐसा लगता है कि सरकार ही चाह रही थी डबल इंजन की कि यहां पर हिंसा भड़के, और उसी का नतीजा था कि वो भीड़ वहां से चली और चारों तरफ फैली, और उसके बाद से आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर दो महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं, चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया नहीं? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही, पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि इस सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। इन्होंने मोदी साहब ने कहा कि 11,000 हमने FIR कर दी। क्या FIR करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? क्या FIR करने से अगर शांति आती है तो मोदी साहब 11,000 और कर दो, शांति तो आ जाएगी कम से कम। लेकिन FIR हमेशा से एक नेगेटिविटी साथ लेकर आती है। आपने किस समुदाय पे की FIR, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? इनके सांसद और MLA के घर फूंक दिए गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। इनके सांसद और MLA की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। क्या ये बात सच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति सिंसेयर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान, जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का यह फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अरे देवा,
ये गड़बड़े बाबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूँ, जल्दी से। मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूँ कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूँ, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था जो आरोप है, सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब, लेकिन आज तक इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैं समझ रहे हो मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही, या तो मणिपुर पर आपके सुन बीजेपी का, आलोक जी आपके बोलने से पहले ही वो लाइन हटाकर, अंजना जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए कहते हैं अधिजल आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था, ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। बस हवा निकल गई। संसद वाली बात पर आपने जवाब नहीं दिया था, और हम हर बड़े मुद्दा जो है आलोक जी, एक सेकंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है, अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। कुछ भी देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई, एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई वो भी पूरे देश ने देखा था, क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट्स है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की, चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से, मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले है, उसके बाद सब कुछ है वो, लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको ही मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका, मैं फिर कहूंगा बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि नहीं रावण को भी मारा था, रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई रफेल की, सुप्रीम कोर्ट में रफेल में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है, और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर राफेल से लेकर पेगासस से लेकर आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा, और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी, उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं वहां के, तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं, वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई,
उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए हम भी स्वागत करते हैं, राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं, तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं, उन कैंपों से कब आएंगे वापस, बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है अब ये किसी के नहीं सुनते, अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया, वहां के तमाम खिलाड़ियों ने जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए, हम कहते हैं सारी चीजें गलत है, अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे। रंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया, आलोक जी सबने उठाया, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। अब देखिए आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, मुझे बोलना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया। तमाम लोग में मेरे मन में यही होता है। अच्छा आप लोग दूसरे जगहों पर दूसरे चैनल में जाते नहीं है, कुंठा 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं, ये मत कीजिए। फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे तो आज तक की बात, मैं बड़ी शांति से कह रहा हूँ, आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ, मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी, मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं। देखिए मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक कभी मत कही किसने क्या किया 10 साल में, उसमें मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम, मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए, हजार बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं, हजार बार पूछ चुके हैं, अब बैठिएगा शांत। ठीक है, अब शांति से सुनिएगा। पूछिए ना अभी के देश के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। अभी मैं तो आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया। आलोक शर्मा, अब्बा नहीं मानेंगे। तीन प्रश्न है उनके। एक तो हिंदू वाला जो बयान था, जो राज्यसभा में, जो माफ कीजिएगा, जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, उस पर उनका सवाल है आपसे। दूसरा, तमिलनाडु में 65 लोगों की मौत या फिर बीते दिन बीएसपी नेता की मौत, इस पर राहुल गांधी उतने सक्रिय क्यों नहीं दिखते जितने वो हाथरस या मणिपुर पर दिखते हैं? दो प्रश्न है। चुप हो जा। मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदया ने एक बार भी नहीं रोका उनको। इस बात का मुझे दुख है। क्या आपको तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक। क्या तांडव हुआ? ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। बोली ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। मैं फिर बताऊं, और वो प्रश्न पूछा था। जी आप मेरे बीच में बोलेंगी? वो मैं बोलूंगी, क्योंकि आप मीडिया पर सवाल खड़े करें। आप आज तक पर सवाल खड़े मेरे बीच में बोलेंगी? आप आज तक पर सवाल खड़े करते हैं? मैं मीडिया पर नहीं, आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आप पर कर रहा हूं, मुझे करना ही नहीं है। अंजना जी मैं आप पर कर रहा हूं। हां तो सुनिए ना, करवाली बेइज्जती पर बातचीत हो रही थी। जो लोग अपने आप उनको उन्होंने अपने सामने जो बोलिए आलोक अंजना जी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो मीडिया के चैनल से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को नफरती कहा है, क्या शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? ये बीजेपी का एजेंडा है, वो कह रहे हैं कौआ कान काट कर ले गया और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आजकल मीडिया के साथी भी कन्ना कौआ कान काट कर ले जा, बीजेपी बोलती है और उसके पीछे पीछे सब चल रहे। हिंदू मुसलमान का एजेंडा पिछले 3 मिनट चला और आपने उनको नहीं टोका। मैं उत्तर दे देता हूँ अंकित शर्मा का। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्होंने पूरी तरह से कहीं ना कहीं सजा दिलवा दी होगी। आलोक जी आपकी आवाज डिस्टर्ब, फिर कहूंगा मैं चाहता हूँ ऑडियो तो मेरा कई बार
अंजना जी मेरा ऑडियो, अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया, मैं उत्तर और ये सच है, आप पूरा शो देखिएगा, क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया हो तक राज्य सरकार के द्वारा, तो हिंसा ही नहीं भड़कती। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट गए हो तो अभी कागज दिखाइए मुझे। झूठ बोलना बंद करें। मैं फिर कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया होता का स्टेटस नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं सबकी डेट है, बताइए डेट कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, चैलेंज करता हूं, डेट बताइए ऑर्डर। हाँ चुप कर, डेट बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं अब। हाँ बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं। भाजपा बदतमीज है, एक सेकंड गौरव जी, गौरव जी रुकिए, बदतमीज है, और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग देते हैं। गौरव जी तुम बताए कि हिंसा किस दिन बढ़ती है, बिल्कुल मैं बताऊंगा तो आप झूठ मानेंगे। आज तक बताए डेट पूरे देश पर। केवल चिल्लाने, ये देखिए चुप रहो, तुम लोग चुप रहो बदतमीजा, तुम चुप रहो बदतमीजा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?